मुझे डांस बहुत पसंद है और ऐसे कोई परफॉर्म करने वाला भी कोई देखने मिल जाए ना, ऐसे फ्रेशनेस आ जाती है मुझे। प्रणाम नमस्कार गोल लागतानी। बिग गंगा देखे वाले तमाम भोजपुरिया दर्शक लोग के बहुत 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 स्वागत बा। हाजिर बानी लेके राउर सबसे पसंदीदा शो एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गोगली बिस्कुट। थोड़े से मन ना भरे, बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। आज फैसले के दिन है, यानी शुक्रवार। रांची और जमशेदपुर के 4 मेम साहब के बीच मंगलवार से शुक्रवार तक मुकाबला के बाद चारों दिन के अंक के आधार पर जीत हार के फैसला हुई। 4 में कोई एक क्वार्टर फाइनल में जयहन और 3 आज ही मुकाबला से बाहर हो जयहन। आज के धमाकेदार शुरुआत करे से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करी हमनी के दोनों जजेस लोग के, रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी। स्वागत कर लेवल जाओ रांची और जमशेदपुर के ऊ 4 मेम साहब के, जे आज लगातार चौथा दिन से हमनी के साथ बनल बाड़ी। जोरदार ताले से स्वागत करी रांची के आकांक्षा सिंह जी के, रांची के ही शारदा मुखिया जी के, जमशेदपुर के पूजा गोस्वामी जी के और जमशेदपुर के ही श्वेता सिंह जी के। मैं आप चारों से यही कहूंगा कि बहुत मेहनत करने के बाद, कितने सारे राउंड्स को सामना करने के बाद आप लोग यहां पहुंचे हैं, तो ट्राई टू गिव योर सुपर बेस्ट। और अब शुरू करल जाए अपन आज के पहला राउंड, जेकर नाम है हम में है दम। ये राउंड की शुरुआत काली हो चुकल रहे, जहां एक बार पहले इनके बीच मुकाबला हो चुकल बा और आज एक बार फिर ये लोग अलग अलग मेम साहब के साथ एक दूसरा से भिड़ंत करी हैं। ता अपन डांस से एक दूसरा के चैलेंज करे सबसे पहले आ रहल बाड़ी रांची के शारदा मुखिया जी और आकांक्षा सिंह जी।
क्या बात है, रश्मि जी क्या कहेंगी आप? मुझे डांस बहुत पसंद है और ऐसे कोई परफॉर्म करने वाला भी कोई देखने मिल जाए ना, ऐसे फ्रेशनेस आ जाती है मुझे कि डांस, अरे कोई डांस ऐसे कैसे बोल सकता है, नहीं कर सकता। आपने भी अपने तरीके से बहुत अच्छा किया, लेकिन इनकी एनर्जी और आप जब डांस कर रही थी आप मैच ही नहीं कर पा रही थी उनको। जब दो लोग परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा दोनों की एनर्जी लेवल मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। सो उसकी वजह से लग रहा था कि आप थोड़ी वीक है, लेकिन आप अगर इंडिविजुअली आपको देखें तो आप बहुत अच्छी हैं। और आप तो हम लोग कितनी तारीफ करें आपकी, आप कमाल हैं। थैंक यू मैम जी। और डांस से अब अपन दम दिखावे के बारी बा, जमशेदपुर के श्वेता सिंह जी और पूजा गोस्वामी जी। वाह क्या एनर्जी है मधु जी, आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, दोनों ने डांस भी बहुत अच्छा किया, मजा आया, दोनों ने एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन दिया, अच्छा वेरी गुड। प्लीज। और यही के साथ हमने के ये राउंड समाप्त हो गए बा, वक्त बा एक छोटा सा ब्रेक के, ब्रेक के बाद देखल जाए मेम साहब के होशियारी और उनकर ज्ञान के जानकारी। तो देखत रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। जल्दी लौटिए। हम पापा को कभी नहीं बोले कि पापा हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आज तक हम कभी नहीं बताया कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। I love you, पापा। और जो इस एपिसोड का विनर है उसके टोटल मार्क्स है 124 और वो है के बाद एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बार हुआ, देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। और अब हम आ गए बानी ओ राउंड में जहां पास होके खातिर मेम साहब के देवे के पड़ीला इम्तिहान, और ओ राउंड के नाम है एक्सपर्ट मेम साहब। Sorry.
एक्सपर्ट मेम साहब, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। बजर राउंड बा, हम रवा सबसे पूछा पांच सवाल, सवाल पूछला के बाद ही आपके बजर दबाए के है, और बजर दबाए के बाद आपके 10 सेकंड के अंदर आंसर देवे के है। तो आप लोग तैयार बानी? तो आपके पहला सवाल है, कृष्ण भगवान का जन्म किस युग में हुआ था? जी पूजा जी, द्वापर युग। सही जवाब। हमारा दूसरा सवाल है कि ब्रह्मा जी के कितने सर हैं? जी शारदा जी, 4। Are you sure? Approx. सही जवाब। हमारा तीसरा सवाल है, लक्ष्मण जी की माँ का नाम बताइए। जी पूजा जी, सुमित्रा। सही जवाब। हमारा चौथा सवाल है, हनुमान जी के बेटे का क्या नाम है? जी शारदा जी, मारुति। गलत जवाब। सही आंसर है मकर ध्वज। पांचवा सवाल है, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत किसने लिखा था? समय समाप्त। महाभारत लिखा था वेद व्यास जी ने। आप लोगों का ज्ञान कितना अच्छा है और इस पे क्या राय है, चलिए जानते हैं। मधु जी, मुझे पूजा जी ने सरप्राइज किया, बिकॉज फटफट उन्होंने जवाब दे दिया, मुझे अच्छा लगा। पूजा जी कमाल कर रही हैं आप तो। आपने दोनों के सही जवाब दिए, और बाकी के दो मैम साहब जागिए, क्या हो गया आपको, आगे ध्यान से खेलिएगा। ऑल द बेस्ट। यही के साथ एक्सपर्ट मैम साहब राउंड आइजे खत्म हो गया। अभी वक्त बा एको छोटा सा ब्रेक के, तब ब्रेक के बाद देखा जाए आज के अंतिम राउंड, जेकरा बाद ही फैसला हो जाए कि आज कौन क्वार्टर फाइनल में जाइहन और कौन 3 मुकाबला से बाहर हो जाए। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साफ सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। हम पापा को कभी नहीं बोले कि पापा हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आज तक हम कभी नहीं बताए कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। I love you, पापा। और जो इस एपिसोड का विनर है उसके टोटल मार्क्स है 124, और वो है एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बार हुआ, देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। और अब बारी बा हमने के ओ राउंड के, जहां मेम साहब खुल के करे ली अपन प्यार के इजहार, और ओ राउंड के नाम है हमें तुमसे प्यार कितना। यही राउंड में हर मेम साहब जेकरा से सबसे ज्यादा प्यार करेली उनका से अपन प्यार खुल के इजहार करेली, जेकरा खातिर फुल मार्क्स बा 10। ये राउंड के शुरुआत करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी रांची के आकांक्षा सिंह जी के। तो आप प्यार का इजहार किसे जाहिर करना चाहेंगे? मैं अपने पापा को जाहिर करना चाहूंगी अपने प्यार का इजहार। प्लीज
मेरे पापा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हैं। उन्होंने मुझे इकलौते लड़के की तरह पाला है। मेरे पापा में मेरी जान बसती है और मेरी जान उनमें बसती है। अभी वो 75 ईयर ओल्ड के हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने एक बेटे की तरह उनका ख्याल रखा है। एक बार पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तब मैंने नई नई बाइक चलानी सीखी थी। मेरे घर से डिस्टेंस रांची टाउन डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। मैं उनको बाइक पे बैठा करके रात को 11 बजे मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर के गई थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरे और दीदी के नाम में कंफ्यूजन कर गए, मोबाइल में सही से दिखा नहीं तो दीदी को फोन लग गया। निकनेम मेरा निक्की है, तो बोलते हैं निक्की, तो दीदी बोलती है नहीं पापा नीतू, तो बोले अच्छा ठीक है रखते हैं, हम निक्की को लगाए थे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मुझे एहसास दिलाती हैं कि मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं, बहुत प्यार करते हैं। रश्मि जी क्या कहेंगी आप? आपके पापा ने बिल्कुल एक लड़की की तरह आपको पाला है आपको लगता है, पर आपको बहुत साहसी भी बनाया है। मुझे हमेशा लगता है कि हर मेम साहब में ये क्वालिटी होनी चाहिए और वो आप में है। आई एम वेरी हैप्पी। माँ बाप को जो पूछते हैं, माँ बाप को जो मानते हैं, वो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। और मैं दिल से प्रे करूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम बुलाना चाहेंगे शारदा जी को। शारदा जी आप किसे अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे? हस्बैंड को। प्लीज। शादी के बाद जब हम वापस ससुराल आए, मैंने ग्रेजुएशन करके पढ़ाई अमूमन ड्रॉप ही कर दी थी, तो उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया कि तुम इतना अच्छा पढ़ के आई, ये सारा फाइल क्या रखने के लिए है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा फैमिली और बच्चे, शादी के बाद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये तीनों से मेरे मम्मी पापा जुड़े हैं। अगर इसका एक छोटा कदम मेरा गलत रहा तो मम्मी पापा को ये ना फील हो कुछ अच्छा सिखाया नहीं। तो बोला ये सब मैनेज होगा, बस एक बार तुम अपने अंदर इच्छा शक्ति को जगाओ। कोई भी चीज़ हो, जब एक बार मैं परमिशन लेने के लिए उनसे पूछती हूँ कि क्या ऑडिशन दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ लैप्स हो पाएगी, बच्चे को छोड़ के आना है और भी बहुत सारी चीज़ हो पाएगी, तो ठीक है चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे। झारखंड स्टेट पुलिस होने के बावजूद उनका छुट्टी जल्दी मिलता नहीं है, फिर भी उन्होंने छुट्टी लिया, मेरे लिए आए। आज बिग मैम साहब सीजन 7 में वो मुझे साथ लाए हैं, तो आज मैं स्टेज से यही बोलना चाहूँगी, आपने मुझे ये स्टेज के पास लाया और बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि मैं जीत के आपको ये खुशी देना चाहूंगी। सो मेरे तरफ से सोनू लव यू। आपके हस्बैंड आए हुए हैं? आए सर। उनको मेरा नमस्कार, बड़ा अच्छा लगा आपने इन्हें इतना सपोर्ट किया। आप स्टेट पुलिस में हैं उसके बावजूद आपने कीमती समय निकाला और आपने इन्हें दिया। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि घर की महिला जो होती है वो होम मिनिस्टर होती है। मधु जी क्या कहना चाहेंगी? कहते ना एक रिश्ते में एक दूसरे पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, और आप दोनों में दिखता है कि एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको वो इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आज आप यहाँ खड़ी हैं। yes, और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। yes, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि आप विनर बने। ये जो एक विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बताई, और इस मंच का आपने पूरा फ़ायदा उठाया और उनको जिस तरह से थैंक यू कहा और अपने प्यार का इजहार किया, वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। थैंक यू मैम। और अब बुलाते हैं पूजा गोस्वामी जी को। पूजा जी आप किसे इजहार करना चाहेंगी? अपने पापा को और अपने पति को। बहुत बढ़िया जी। मेरा जब शादी हुआ तो उस टाइम से कुछ दिन ऐसे पार हो रहा था, तो बार बार पापा को देख के मेरा आंख भर जाता था, हम बहुत रोते थे, बहुत ही ज्यादा रोते थे। अब विदाई में तुम अपने पापा को पकड़ के इतना रोए कि हम छोड़ ही नहीं रहते, हम जमीन पे बैठ गए थे रोते रोते। हम बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे, बहुत रो रहे थे, मेरे पति मेरे को खींच खींच के ले जा रहे थे। मतलब मेरे पापा इतना स्ट्रगल करके हम लोग को इतना आगे बढ़ाए हैं, मेरे को इतना आगे बढ़ाए, मेरा इतना अच्छा फैमिली में शादी कराया, मेरे को इतना प्यार करने वाला पति मेरे को दिए हैं, जो हमसे बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पापा का एक छोटा सा दुकान है, वो भी रेंट पे है,
और हाउस भी है तो वो भी रेंट पे है, पर कभी मेरे पापा हमको फील नहीं होने दिए कि जैसे इतना खर्चा होता है तो तुम लोग को कुछ चाहिए, तो कभी मना नहीं करते मेरे पापा। अभी भी हम जब आए हैं इस स्टेज पे तो किसी और के बदौलत नहीं, सिर्फ मेरे पापा के बदौलत, मतलब मेरा उनको हम क्या बोले, ऐसा कनेक्शन है ना कि उनके पास जब जाते हैं ना तो मेरा अपने आप एकदम आँख में आंसू आ जाता है, मेरे से एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। हम पापा को कभी नहीं बोले कि पापा हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आज तक हम कभी नहीं बताए कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू पापा। अपने आप के संभाली रश्मि जी, भावुक हो गई अपने पापा के लिए, अपने पति के लिए, और इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता था ये बयां करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हर एक बच्चे के लिए उसके पिता हीरो होते हैं और उसकी माँ सारी दुनिया से सबसे बेस्ट उसकी माँ होती है, जो आपने बिल्कुल सच कहा और मैं भी चीज को मानती हूँ। आई एम विशिंग यू कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में इसी तरह से खुश रहें और दोनों इससे ज्यादा एक दूसरे से प्यार करें और आपका परिवार भी आगे बढ़े। जी मधु जी, इतने प्यारे पापा मिले हैं आपको, इतने प्यारे पति मिले हैं, तो हंसी अच्छा खेल रही हैं आप। यहाँ पे इजहार भी किया आपने, अपने डैडी को बताया भी आप उनसे कितना प्यार करती हैं, आपके पति को भी समझ में आया कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं, तो वेरी नाइस, आपको हमेशा खुशियाँ मिलती रहे। आई और अब हम बुलाना चाहेंगे जमशेदपुर की श्वेता सिंह जी को। श्वेता जी, आप किसको इजहार करना चाहेंगी? मैं अपने मम्मी के साथ अपने पति को इजहार करना चाहूंगी। वाह, प्लीज। मेरी मम्मी आज तक मुझे किसी भी चीज़ के लिए कभी कोई कमी नहीं की। मैं अपनी मम्मी की सिर्फ एक ही बेटी हूँ। मेरी मम्मी इतना दुख काटी है, अपने ख्वाहिश को अपने अंदर छुपा के रखी है, वो आज सब कुछ ख्वाहिश मेरे ऊपर पूरा करती है। दिन रात सिलाई करेगी, तो कभी ये काम, कभी वो बिजनेस, कभी वो कैसे भी, इसको कभी कोई चीज़ का कमी होने नहीं देंगे। शुरू से लेके आज तक एक सहेली बनकर मेरे साथ हर चीज़ में सपोर्ट, अच्छा खराब सही गलत, आज तक मैंने मम्मी से कोई बात भी नहीं छुपाया। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मम्मी ऐसा है, और मम्मी का हाथ पकड़कर आज तक मैं चलती हूँ। और अब उसके बाद इतने अच्छे मुझे पति दिए, पति तो मेरा कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, जगह जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं और चलते हैं कि चलो जो भी तुम्हारा सपना है आज हम भी तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, पूरा करेंगे। मधु जी, मुझे आपकी भावनाएं बहुत अच्छी लगी। मेरी मम्मी ने भी अपने सारे सपने मेरे थ्रू पूरे किए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना अच्छा लगता है कि जब आपकी मम्मी के सपने आप पूरा करती हैं। सो इट्स रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि अपनी मम्मी से इतना प्यार करती हैं। थैंक यू मदर। एक लड़की के लिए उसका जुनून, उससे प्यार दिखाना, परिवार को संभालना, ये सारी चीज़ें अपनी माँ से मिलती है। इससे प्योर लव कोई नहीं करता किसी से, और मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ। मुझे आपने जितना भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। आई यही के साथ आज के सारा राउंड खत्म हो चुकल बा, और अब वक्त आ गए बा कि चार मेम साहब में से कौन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और कौन तीन मुकाबला से बाहर हो जाए हन। सबसे पहले हम दोनों जज लोग के आग्रह करब के हिया मंच पे आ जाइए। एगो खास उपहार हमनी के खास मेम साहब खातिर, जिनकर बाल बा बहुत खूबसूरत और मजबूत, और उ मेम साहब बाड़ी आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आपके मिल रल बा बजाज एलमेंट ड्रॉप्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आई रांची और जमशेदपुर के चार मेम साहब के बीच मंगलवार से शुक्रवार तक जबरदस्त मुकाबला देखे के मिलल। आपन परफॉर्मेंस के दम पर सब एक दूसरे से आगे निकल ले की पूरी कोशिश कई नहीं, लेकिन आज के आगे जाए ये अभी ये पता चली। पूजा जी, पिछले तीन दिन का स्कोर मिला के आपको मिले हैं 98 मार्क्स।
श्वेता जी आपको टोटल मिले हैं 108। और अब दोनों मेम साहब जो हैं यहाँ पे, आकांक्षा जी और शारदा जी, आप दोनों में से ही है कोई एक विनर। और जो इस एपिसोड का विनर है उसके टोटल मार्क्स है 124 और वो हैं शारदा मुखिया जी। हमारी विनर ऑफ द वीक के मिनरल बाय एक्सपर्ट की तरफ से बैच और एक शानदार गिफ्ट हैंपर, जोरदार तालियां इनके लिए। रश्मि जी हमारी एक्सपर्ट मेम साहब को बैच बनाइए और मैं मधु जी से निवेदन करूंगा कि गिफ्ट हैंपर से इन्हें नवाजे। और यही नहीं, इन्हें बिग पाम गुगली बिस्कुट की तरफ से मिलता है शानदार गिफ्ट हैंपर। विनर ऑफ द वीक के बिग गंगा की तरफ से मिल रहा बा हुनर के पंख। कैसा लग रहा है आपको शारदा जी? Awesome, sir, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही। ई हफ्ता हमने के एगो और क्वार्टर फाइनलिस्ट मेम साहब मिल गए बाड़ी। क्वार्टर फाइनल में इनका से दोबारा मुलाकात होगी। अगला हफ्ता दूगो नया शहर के चार नया और हुनर से भरल मेम साहब के साथ हम फिर हाजिर होकर, तब तक खातिर आपन विनय आनंद की दी इजाजत। रखी आपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्ट फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन्ना भरे बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।